कहाँ से हम लोग इतना ज़्यादा तंग हो गए हैं और ये सब देख देख के, क्योंकि एक तो काम धंधा भी यहाँ चलेगा नहीं, इसलिए हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अब घर जाने के लिए सोच लिए हैं कि घर जाना है। लेकिन हम लोग खोली में रहते हैं कम 15 आदमी, ये 10x10 के रूम है उसमें, जिसमें 15 आदमी रहते हैं, 15 आदमी यहाँ पर रहते हैं एक साथ में। लेकिन अब यहाँ आज तक ये भी कोई नहीं देखता है कि यहाँ 10 रह रहे हैं कि 5 रह रहे हैं, कोई अभी तक आज तक हम लोग ये कभी नहीं सुने कि यहाँ रूम में पूछते हैं, पूछने कोई आया है। हाँ, जैसे मर्जी उसे रहते थे। आज के डेट में ये देख रहा हूँ कोई आदमी किसी को छूता है तो कोरोना हो जाएगा, बाहर निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा, सब्जी हरी सब्जी कोई लेने जाएगा कहेगा भैया कोरोना हो जाएगा। तो आदमी जब कोई चीज लाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो जिएगा कैसे? और ऐसे सरकार को हम, जो ऐसी सरकार बन गई है कि अब ये तो सरकार, हम लोग यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ये भविष्य में नहीं आनी चाहिए ऐसी सरकार, हम लोग को चाहिए नहीं। जब भी वोट देना हो, वोट मांगना होता तो हाथ जोड़ के मांगते हैं। आवाज आदमी के ऊपर जिस तरीके के गाय भैंस को लोग डंडा मारते थे, उस तरीके आज आदमी को भी डंडा मारना शुरू कर दिए। कुछ 120 आदमी आज के डेट में फंसे हुए हैं यहाँ पे, कुछ 100 आदमी पुणे में है और 20 आदमी मुंबई में है। तो अभी सरकार ने जो फैसला लिया है उनको गांव भेजने के लिए, तो हमें लगता है कि ये अभी 2 से 3 महीना अभी ये लॉकडाउन हटने वाला नहीं है। अगर लेबर एक बार यहाँ से चली गई तो फिर उन्हें बुलाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जो फैसले लिए, मतलब अपने हिसाब से कि चलो 31 तारीख को फिर, या 17 मई, या 2-3 मई, इसके हिसाब से जो सिस्टम बना हुआ था उस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि लॉकडाउन हट जाएगा। मगर अभी हमें दिख रहा है कि जो सरकार लेबर बुलाने का जो काम करने लगी वो अभी 3-4 महीने नहीं हटने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम होने वाला है हम लोग को। अभी जितने दिन हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको अभी तक कुछ सरकार ने खाना भी नहीं दिया, कभी पूछने तक नहीं आए किसी ने कि मतलब आपको क्या करना है, कि आप खा रहे हैं कि नहीं आ रहे, किसी ने हमारे पूना वाले साइड से या जहाँ भी है कोई आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। सर 1.5 महीने से लेबर बैठी हुई है, सरकार ने आज कह दिया कि जाने के लिए, अगर और लेबर का एकदम मूड भी बना हुआ जाने के लिए। और दूसरी बात, अगर सरकार ये भी नहीं बता रही कि मतलब एक लॉकडाउन कब तक ख़त्म होने वाला है, अगर कुछ मतलब क्लियर बताते कि ये इतने तारीख तक ख़त्म होने वाला है तो उस हिसाब से काम किया जाता। अगर आज लेबर यहाँ से सरकार भेज रही है जाने के लिए, अगर लेबर यहाँ से सर चले गए तो फिर आने के लिए उनको बहुत ही दिक्कतें हो जाएगी, फिर काम जो है सब एकदम स्लो हो जाएंगे और महामारी जो है और बढ़ती जाएगी एकदम से। अब उनको एक ही सवाल हो गया कि हमको अगर मरना है तो हमारे परिवार में जाने देना चाहिए, हम वहीं जैसा भी रहेंगे, हम भूखे रहें या प्यासे रहें, अपने परिवार के साथ ही जाना। तो आज जब एकदम लेबर का पूरा मूड बना हुआ है कि हम अपने परिवार के साथ में रहेंगे और हम वहीं जाएंगे, फिर आज लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया, फिर अबे हमें उम्मीद दिख रहा है कि जो हम मिडिल क्लास के लोग थे तो मतलब एकदम रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी लेबर एक बार भेज देंगे फिर उनको बुलाने के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, जो काम बीच में रुका हुआ वो वहीं पर एकदम ठप हो गया। अगर सरकार ने उन्हें भेजना ही था तो जिस तरह जब भी पहला फर्स्ट लॉकडाउन उन्होंने किया था तो 1 हफ्ते के लिए रोकने के बाद सारे लोगों को भेजने के बाद में फिर उनको लॉकडाउन करना चाहिए, ताकि मतलब जो हम लोग मुसीबतें झेल रहे हैं उस मुसीबत से बच जाते। वो तो वहाँ जाकर क्या करेंगे? लेबर को ये दिख रहा है सर कि अभी उनको यहाँ पे एकदम थक चुके हैं, तो जैसे 17 तारीख तक बढ़ गया, अभी हम जाएंगे तो 14 दिन वहाँ क्वारंटाइन में रहने के बाद में हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, मतलब उनके साथ रहेंगे, जो भी होगा हमारा उनके साथ होगा। एकदम आदमी क्या है कि सर, जो पहले जब काम करते थे साइटों पे तो मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, आज 10x10 के कमरे में जहां सरकार ने कहा 5 आदमी से ज़्यादा एक साथ नहीं लोग रह सकते हैं, और एक रूम में 20-20 लोग हैं, यहाँ तक कोई पूछने भी नहीं है कि 20 लोग क्यों हैं यहाँ पे, मगर किसी ने देखा भी नहीं, खाली कहने की बात होती है कि यहाँ पे 5 आदमी रहना चाहिए, यहाँ पे 20-20 आदमी, एक रूम में 30-30 आदमी हैं, और उनको मतलब कोरोना से बहुत डर लग रहा है कि हम इतने सारे लोग हैं तो यहाँ से एक बार हम निकल जाएंगे तो अपने घर पर सुरक्षित रह सकते हैं, इसके लिए ज़्यादातर उन्होंने और मूड बना लिया। उनको खाना नहीं मिल रहा है, नंबर 1, उनको रहने की जगह नहीं है, जो रोज दिहाड़ी वाले काम करने वाले थे तो वो बंदे मतलब किसी तरह से दिमाग लगा के उनको कभी भाड़े पे ट्रक में जा रहे हैं,
वो उस टैंकर के अंदर जा रहे हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं उन्हें। अगर कोई देखने वाला होता तो हर इंसान को अगर सुविधा मिल रहा है, अगर खाने को मिल रहा है दो वक्त की रोटी, तो फिर वो इंसान सोचेगा एक बार कि चलो ठीक है 10 दिन हम यहाँ गुजार देंगे। जब वो इंसान खुद मर रहा है तो सोचता है चलो मरने से बेहतर है कैसा भी सिचुएशन करके और हम अपने घर जाएंगे, अपनी फैमिली में रहेंगे। इस मालिक क्या करेगा, मालिक के पास भी होना चाहिए। मालिक जहाँ काम करता है उसको खुद के वहीं पर सब हो गया, जो जिस जो सिचुएशन मालिक के ऊपर है, जब भी मालिक देखता है कि अब हम हमारे बस की बात नहीं है तो लेबरों को बोलता है कि भाई अब अपना देख लो, हमारे पास जितना हो सका हमने किया, अब इससे आगे हमारे बस की बात नहीं है, हम भी वही तुम्हारे सामने एकदम बैठे हुए हैं। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि चलो अब यहाँ भी नहीं है, सेठ के पास भी नहीं है, हमारे मालिक के पास भी नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई उपाय है नहीं, हमारी सरकार कोई सुनती नहीं है, खाली कहने की बात होती है। और रमजान रोजा रहने वाले बाहर नहीं निकलेंगे तो वो अपना फल फूल या साग सब्जी कहाँ से लाएंगे, उनके दिल से पूछो ना डंडा काटे। आपका रमजान तो नहीं है ना? मेरा नहीं है, लेकिन है नहीं तो सभी इससे क्या, धर्म धर्म तो सबका धर्म बराबर है ना। हाँ, हाँ। मेरे ही गांव का है, मेरे ही साथ है, मैं ही अपने जिम्मेदारी पे लाया हूँ। हाँ। दो डंडा सहकर कल उसका मैं फल फूल लेकर आया हूँ। हाँ। वो तो रमजान रहता है। आपके ही गाँव का है? मेरे ही गाँव का है। अच्छा, तो यहाँ पर दोनों साथ में रहते हैं मुस्लिम सब? जी, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है। हाँ हाँ,